गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। आज जा रहे हैं हम लोग वापस से जयपुर। अभी पैकिंग चल रही है और फाइनली छोटा सा ट्रिप था तो भुवनेश्वर का ट्रिप यहीं पर एंड होता है। वैसे भी भानु और यशी तो ब्रेकफास्ट करके आ चुके हैं, सिर्फ मैं और मीकू जो दो आलसी लोग हैं वो अब जाएंगे ब्रेकफास्ट करने के लिए। और 4 बार बजाऊंगा जब खुलेगी गेट। मैं तो खोल ही नहीं, तो उठ ही नहीं रहा। चल आजा चुपचाप अंदर, चल चल, सब पता है मुझे तेरी हरकत। गुड मॉर्निंग, मुझे 7 बजे उठा उठा के पता नहीं क्या समझ के रखा है लोगों ने। जल्दी उठा देते कि बेड से भी उठी अभी तक। भाई मैं तैयार होकर बैठू, चलो एकदम रेडी हुए हैं, कहीं भी ले चलो। चल ब्रेकफास्ट करने चले अपन। नहीं यार मुझे नहीं करना। क्यों, भूखी रहेगी क्या? पागल है सच में, मुझे तो ए भगवान, इनकी ब्रेकफास्ट कर ले जाके आ जाएगी चाय। हैव चाय, यू नीड कॉफी एंड चाय। लो ले चल चल, अपन दोनों कर रहे थे, ये दोनों तो कर लिया, भूखे मरेंगे क्या अपन। अच्छा ये तो आप नहीं गए क्या? नहीं मुझे याद है, सो रहा फिर भानु आया गेट खुला देखा तो सो रहा। अरे वो कुछ भी नहीं सो रहा था। अरे भानु जब आया ना तो मैं अंदर था, नहा रहा था। अच्छा नहा रहा था, तेरे मुंह से तो नहीं लग रहा था नहाया है ले चल चल चले। कितना ही बोल ले। अरे एक तो 3 दिन से तूने काली कलर की ड्रेस पहन रखी, क्या सीन है ये? मैं ना 2 काली कलर की ड्रेस लेके आई थी, एकदम कंफर्टेबल गर्मी में। अच्छा इतना ही खाना था तो आई भी क्यों? मैं भी यही सोच रही थी, ये तो एक मुट्ठी में भरी लाता जेब में। हम लोग जा रहे हैं एयरपोर्ट और यहाँ रास्ते में देखो कितनी प्यारी ड्राइंग्स बनी हुई है सारी वॉल्स पे, बड़ा ही सुंदर। बाय बाय भुवनेश्वर। एयरपोर्ट पे घूम लिया इस बाय। अब हमारे पास 2 घंटे हैं, तुम अलग घूमो हम अलग घूम रहे हैं। मेरी बात, खाएंगे तो सही ना? हाँ चल, मैं आधा घंटा बस मसाज करा लूँ इधर, उसके बाद ये मैं थक गया हूँ ना बहुत ज्यादा, मुझे मसाज करानी है। बाय गाइस। अरे तू भी जा रहा है क्या भानु? मैं अकेले क्या करूँगा पड़े पड़े, हमें क्या पता मसाज। अरे यार चलो करा रहा हूँ मैं मसाज, तुम बाहर में जाओ मेरी तरफ से। भाई मैंने अभी 25 मिनट मसाज दी और मज़ा आ गया मेरे को, तो सो गया था मैं वैसे यहाँ पर। और वो लोग शायद लंच कर रहे हैं, कॉल आया क्योंकि उसका अभी, तो देखता हूँ कहाँ पर है वो लोग। गाइस क्या मस्त मसाज हुई उसमें, भाई मैं तो सो गया था। हाँ गाइस अभी खा रहे हैं हम लोग चाट पापड़ी और समोसा छोले पापड़ी। क्या अच्छा है, सब अच्छा है भाई, दोनों डिट्टो दिख रहे हैं। हाँ, तो बताओ इनमें से कौन सा क्या है? ये छोले चाट पापड़ी है, ज्यादा मत बोलो कि क्या आपको साइड में। मीकुड़ इसके मुंह से पूरे मुंह से बड़ा बटूरा ही है, यही खाती है मैं। चप्पल इसको क्या पसंद है? अब तूने मेरे में से चखा? हम तो नहीं खा रहे, ठीक है हम लोग नहीं खाते जंक। खाते खाते हम भूल गए कि हमारी बोर्डिंग तो स्टार्ट हुए 15 मिनट हो गए, अब बस चेक करना है कि भाई फ्लाइट नहीं छूटी हम लोग की। लास्ट 2 पैसेंजर्स है मीकू और भानु, लोग भाग के आए, ये तो पता नहीं हमने कैसे देख लिया, अदरवाइज पक्का मिस था, ये पक्का मिस था फॉर श्योर। आ गए ये भागते हुए आ गए, हे भगवान जल्दी 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 भाई भाई, ये 2 लास्ट पैसेंजर है, अगर हम नहीं आते यहाँ पर टाइम पे तो आपसे छूट जाती फ्लाइट। तो तुम्हें भागने में इतना टाइम लग गया? ये अगर हम लोग भाग के नहीं आते उस टाइम तो अपनी फ्लाइट छूट गई होती है अभी। पक्का छूटती छूटती, रोक के रखा है इतनी मुश्किल से, और तुम्हें इतने 10 मिनट लगा दिए तुम्हें वहां से भाग के आने में। ये आ गई लगा भाई, भाग रही थी भैया, कल से इसको 1 घंटा प्रैक्टिस करानी पड़ेगी भागने की। अपन एक्चुअली क्या थोड़े से व्यस्त है ना, कि पहले एक बार चले एक बार भागे, अपन को पता नहीं चला। अरे फिर भी अपन कितनी जल्दी पहुंच गए, 2 मिनट में, 10 मिनट लगा दी इसको भागने में। छोले भटूरे, और जब मैं बोला था कि खाना ऑर्डर कर लो टाइम से, देख रहे हैं सोचेंगे भाई क्या सब खाना, खाना छोड़ के आ गए, वो बोला रुक जाओ हमें रहने दो। जिंदा है ना भाई, बच गए यार, जा सो गए करे उसको। इसकी शक्ल देखने लायक थी, कैसे फूल गई थी, ये तो गुब्बारे की तरह हाँफने लग गई थी, सदमे में थी थोड़ी देर के लिए। तो और चप्पल और खुल खुल के भाग गई मेरी, पता है अगर अपन 1 मिनट हम लोग लेट हो जाते ना तो खत्म था खेल। और पता है आज की फ्लाइट मिलती या नहीं मिलती ये भी नहीं पता, और यहाँ रुकना पड़ता है, यहाँ रुकना पड़ता और कल जाते फिर। मैंने जो मूवी की टिकट बुक कराई है वो भी वेस्ट हो जाती है।
लो फ्लोर बस 11 नंबर बस अंदर आती है। चलो गाइस मैं बाहर केश पहुंच चुका है, बैगेज लेकर आओ, मैं जाता हूँ उसको समझाता हूँ कहाँ रुकना है। ए भाई साहब हटा, कैसे हटाओ, हटाओ कैसे हटाओ, वहाँ देख रहा हूँ। वो लोग तो सब अंदर सामान लेने के लिए खड़े हुए, मैं तो आ गया बाहर। अरे अपन दोनों तो चलते हैं, वो तो कैब करके आ जाएंगे। कितनी गर्मी कर रखी भाई तूने यार, बता भाई था ना, इसलिए जहाँ एयरपोर्ट से बाहर निकले वहाँ गर्मी है, बस सिर्फ गर्मी है। चलो मैं तो बैठ जाता हूँ। 4 दिन हो गए भाई गाड़ी चलाए हुए, अगर एक दिन और होता ना तो मैं कैब वाले से ले लेता भाई साहब उधर बैठो आप, मुझे चला दो गाड़ी। कैसा रहा तेरा मीटर? बढ़िया था एकदम, सब कुछ बढ़िया था। ये लोग आ जाए बस, बहुत परेशान करा इन लोगों ने मुझे यार। अभी सबकी खबर लेते हैं। तरीका होता है गाड़ी लेकर आगे फूल गुलदस्ता कुछ तो लेकर आता था कि वो दे सकते, तभी तो इनसे कोई फूल गुलदस्ता कुछ लेकर आया। भाई गाड़ी लेके आगे वही बड़ी बात है, 10 मिनट पहले आया था। और तो एक तो मतलब आते पहले सुनाएगा नहीं तो बाहर बैठा था। बताया अगली बार जाएगा ना हमारे पास, ना एक अंकल बैठे थे, प्लेन उड़ गया उसके बाद फोन लगा रहे हेलो ऊपर जाके। यार दोस्तों कितना टाइम लगा दिया तुमने यार, एक ही कपड़ों में घूमती रही क्या? एक ही कपड़ों भाई, ब्लैक कलर की ड्रेस लगी जाते वक्त भी, वहाँ घूमते वक्त भी, आते वक्त भी। कितना टाइम लगा दिया तुम लोगों ने यार, शर्म नहीं आती तुम लोग को? अरे तू तो चुप रहे, डिक्शनरी में ना सेल्फिश का ना मतलब बदल के सूरज कर देंगे। अरे जा सेल्फिश इक्वल्स टू सूरज। आपने झूठ बोला है दीदी। हाँ यार, सजा मिल गई, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। जयपुर हम लोग पहुँच चुके हैं, फ्लैट देखना पकड़ ले और सूरज गिरने वाला है। हमारा प्यारा घर भाई, गर्मी हो रही है बहुत ज्यादा। गाइस हमें आए हुए 1 घंटा हुआ है और हम लोग निकल चुके हैं मूवी के लिए। yes. क्योंकि मूवी हमारा रिलैक्सिंग टाइम है आज का। रिलैक्सिंग टाइम है आके इसकी वो बनानी रिव्यू, बहुत रिलैक्सिंग टाइम नहीं तो 3 घंटे तो आकर मुझे भी काम करना है। 3 घंटे तो एंजॉय करेंगे ना मूवी। हाँ मतलब यार जब रिव्यू के लिए करना होता ना तो दिमाग में पॉइंट्स चलते रहते हैं। चलो हाथ जोड़ो गणेश। मूवी देख के आ चुके हैं, इतनी कॉमेडी थी फुल कॉमेडी। हम कौन सी मूवी की बात कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिंक है, आप चेक कर लेना। अभी हम लोग बस फ्लाइट जाएंगे एक बार, उसके बाद हम लोगों ने दूसरी मूवी की टिकट बुक करा ली है। लेकिन प्रेस क्योंकि इस मूवी की टिकट अब आपको बुक नहीं करनी है, हमने हमारे पैसे खो दिए और टाइम भी खो दिया, पर आप नहीं खोओगे। हमने तो एक जने के एक्स्ट्रा में खो दिए। अच्छा वही देश लिया है। फ्लैट आ चुके हम लोग, डिनर करके वापस जाएंगे मूवी देखने, और आज डिनर में है आलू के पराठे। दोस्तों मूवी देख कर आए और अब जाके मजा आ गया यार। भाई इसका मूवी रिव्यू बनाने में भी बड़ा मजा आएगा, स्विच टॉक पे देख लीजिएगा आप, मजा आएगा। एक मूवी एकदम बेकार, एक मूवी आहा सेक्सी, बहुत ही सेक्सी, मजा सा आ गया देख के, दिल खुश हो गया। और अभी टाइम हो चुका है सोने का, गुड नाइट, कल करेंगे काम। अभी हम लोग कर रहे हैं वीडियो शूट सुरेश टॉकीज के लिए, जो हम लोग मूवी देख कर आए थे IB7, तो उसका रिव्यू सुरेश टॉकीज पे आ जाएगा। साथ ही भाई हमारे फ्लैट पे इतनी गर्मी पड़ रही है, मुझे लग रहा है बवक ये पूरे टाइम चालू रखने पड़ेंगे। मतलब हम जब से उड़ीसा से आए तब से हमें एक्चुअल में यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा ही गर्मी बढ़ती दिख गई है। मतलब इतना ज्यादा गर्म रह रहा है जिसकी कोई हद नहीं आ रही है। पंखा AC सब चला के। हाँ आंटी खाना भी अभी बस खाना लेकर आ गई हमारे आंटी। साथ ही अगर हम लोग का अभी तक नया कलेक्शन हमने नहीं देखा है, स्पेशली गर्ल्स वाला कलेक्शन प्लीज देखना, इतना ज्यादा प्यारा है, ऑफिस वेयर के लिए बहुत अच्छा है, ऐसे भी आप कहीं पहन के जा सकते हो, प्यारा, बस एक बार देख लेना आपको मजा आ जाएगा, देख लेना। ये अपना पार्सल ओपन कर रही है। क्या है क्या है क्या है क्या है? तू मेरे बिना जिम नहीं जाएगा। क्या तेरा रोज का रोना है ये, मेरे बिना जिम नहीं जाएगा, मेरे बिना जिम नहीं जाएगा। रुक नहीं सकता जब तक मैं काम कर रही हूँ, यहाँ मैं काम करूँ, काम कर ले काम। यार सूरज यार मुझे भी जिम जाना है। चल मैं तेरे लिए वेट करूंगा नीचे। तू मेरे लिए कुछ भी वेट नहीं करता, अपना काम करता, ऊपर आता है अपना काम करता, सो जाता है। बाहुराव का स्टाइल है। कितना बदतमीज यार, देश में कुछ करो इसका। मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मेरे को तो बोल ही रहा था चुपचाप से, बोले चल कॉफी पी ले, कॉफी बनवाई इसने मेरे लिए। झूठा बोल रहे, कितना झूठ है। लेकिन अब आपकी बात भगवान से तो डर भाई, आपकी बात पे कैसे विश्वास करूं जब आप इसको अपना मानते और मुझे सौतेला। अच्छा ये लोग अभी शूट कर रहे हैं, हमारे आते घर कैसे फैल गया पूरा का पूरा। और अंकल हाउ आर यू, क्या हो गया? केक था ना, केक नहीं काटेंगे। ओ माय गॉड यार मतलब तुम जैसे कोई बहुत बड़ा वो हो गया ये हमारी सफलता का केक।
सही है यार अंकल, आपने आपके खुद के बर्थडे पार्टी कुछ तो दी नहीं, केक लाके निपटा के फ्री कर देते हो। यार बर्थडे पार्टी किसकी देनी अभी? आपके बर्थडे की पार्टी बाकी है अभी। मेरी मेरा बर्थडे आया ही नहीं, गया आके तीन बार, कहाँ आके चला गया, अभी आएगा मेरा तो मनाएंगे अपन धूमधाम से। धूमधाम कड़ी कचौरी और जलेबी की वो पार्टी करेंगे अपन। 150 रुपए में निपटा दोगे? यार देख ये पैसों की बात बीच में मत लाया कर तू मेरे, बाकी सारी बातें कर लो, इनसे पैसों की बात मत करो बस। भाई देख दिल बड़ा होना चाहिए, पैसे तो सबके पास होते हैं यार। क्या खाएं? अपने पास नहीं वाला यार, ये मेरी भावनाओं की कदर ही नहीं करते हैं ये लोग। नहीं नहीं मतलब मेरी भावना, आशीर्वाद लेना कि पैसा ले, ठीक है? तो यहाँ अंकल को बूढ़ा बोलना चाह रहा है तू? नहीं आशीर्वाद तो बड़े से लेते ना भाई, बूढ़ों से लेते। अब मैं कंफ्यूज हो गया यार, अब कंफ्यूज हो गया मैं। अंकल बड़ी पुरुष, इससे दांत साफ हो जाएंगे आपके सारे। केक लेकर आए हैं, मीटअप अच्छा हुआ इसलिए। नहीं होना चाहिए। अरे लोग तो आपके पूछे थे अंकल को, अंकल अंकल को। अरे फिर हमारे को कोई नहीं पूछता। अंकल सुपरस्टार है हमारे। अरे नहीं यार, काहे के सुपरस्टार है भाई, हमारे बच्चों का मीटअप है इसलिए मैंने कहा यार अभी लेके चलूं। महंगा वाला केक यार अभी लोगों ने तेरे को क्या कहा था? अरे भावनाओं को समझो यार, पैसों को मत देखो तुम। छोड़ दे हटा दे इसका। इतना अच्छा केक है, इतना बढ़िया केक लेके आया हूँ। फर्स्ट मीटर लेके कौन आया? जलाओ ना। अरे लाइटर माचिस तो लेके आओ। माचिस तो ले खोलना। ओ मैं काटो कैसे? अरे जुगनू सुने सुने आप लोगों ने अच्छा करा है। ये चॉकलेट का गोला है यार, केक मीटअप का केक नहीं खा रहे आप? खा रहा हूँ। और जैसे मुझे तो मीठा पसंद है ही नहीं यार, मुझे तो नहीं खाऊंगी। अंकल को खिलाओ। ये बात है, मीटअप बहुत फर्स्ट क्लास है। हाँ बहुत अच्छा, मजा आ गया। थोड़ा अंकल बार बार पूछ रहे कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ। इसको तो कोई पूछा नहीं, चुपचाप उठा के खा ली। बानो को भी खिलाओ, मैं खा लूंगा आंटी अभी। पूरा मजा आ गया अंकल, बहुत प्यारे लोग थे रूड़ी चाहिए सबसे। अरे यार कई तो रोने ही लग गए यार, उनके आंखों में आंसू आ गए। मेरे को सबने कॉल करके यही बोला कि बोले मतलब बहुत बड़ी बात होती है कि कोई तुम्हारे लिए रोने लग जाए, इतना प्यार लोगों का। अरे मैं खुद यार देख रहा था ना तुम्हारे वो स्टोरी वगैरह, मजे आ गए। एक बात मजे आ गए मुझे। अंकल ने वीडियो नहीं देखी थी मैंने, इंस्टा पे वीडियो वगैरह सब डाल दी। नहीं मैंने उनको कॉल करके पूछते हैं अरे मीटअप कैसा हुआ। मैंने कहा आपने वीडियो देखी? कौन सी वीडियो? अरे मैंने कहा देखो फिर। अरे वाह, मैं स्टोरी देख ली थी, स्टोरी तो देख ली थी। अच्छा रील नहीं देखी आपने? नहीं देखी थी। बहुत अच्छा हो गया, सब बढ़िया हो गया। अरे हम तो यहाँ प्रार्थना कर रहे थे कि उनका जिम्मेदारी थी और मेरे को सबसे ज्यादा टेंशन ही इनकी थी। मैंने कहा पता नहीं कितने दिन, वैसे तो एक्चुअली दोनों टेंशन है। सारे जो अपने फॉलोअर थे, जो भी सब्सक्राइबर थे, सब समझदार, बिल्कुल एजुकेटेड पर्सन और एकदम मतलब जो है ना डिसिप्लिन मेंटेन किया है, बहुत बढ़िया लगा। नहीं, अच्छा बहुत अच्छा हुआ। इनको डिसिप्लिन बहुत अच्छा किया, आगे भी अच्छे होंगे बेटा। कपड़े लाओ, 11 बजने वाली है। केक खा के चलेंगे हम। खा ले।